जब भी डोसे का बैटर बनाने शुरू करते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है उसके साथ में, सेटिंग से फर्मेंट नहीं होता है, जब उसको बनाने जाते हैं तो चिपक जाता है, कई बार चिपकता ही नहीं है, खट्टापन नहीं आता है, कई बार बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है, मतलब कि डोसा से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम। सारी प्रॉब्लम यहाँ पर क्लियर होंगी, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं स्प्रिंग डोसा। 3 कप पारबॉइल्ड राइस, ये इडली और डोसा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस राइस में खास बात ये है, ये कड़क नहीं है। अगर आप इसको दांतों के बीच में रखोगे तो आपको पता लगेगा हल्का सा सॉफ्टनेस इसके अंदर आएगी। ये स्पेशली मार्केट में मिल जाता है, कहीं भी आप बोलेंगे इडली डोसा के लिए जो राइस इस्तेमाल किया जाता है आपको आसानी से मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन इसी राइस का इस्तेमाल करना है हमको। 3 कटोरी राइस लिया है, 1 कटोरी यहाँ पे उड़द की दाल, कोई सी भी कटोरी आप सेट कर लीजिए। चावल से बनेगा पापड़ जैसा डोसा, क्रिस्पी हो जाएगा, और ये दाल क्या करेगी उसको सॉफ्ट करेगी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सेट होता है। चने की दाल ये लगभग 2 बड़े चम्मच है, इससे टेस्ट आएगा और क्रिस्पीनेस आएगी। ये ऑप्शनल है लेकिन कई लोग इसको डालते हैं, आप डाल सकते हैं, एक अच्छा सा फ्लेवर भी इसमें आ जाता है इससे। 2 छोटे चम्मच मेथी दाना, मेथी दाना से फर्मेंटेशन भी आती है और एक टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। दाल को अलग से सोक करने की ज़रूरत नहीं होती है, जब आप बल्क में करते हैं तब आपको अलग करना होता है। घर पे आप कर रहे हैं, क्वांटिटी कम है तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसको रब करते हुए हल्के हल्के हाथों से कम 2 से 3 पानी अच्छी तरह से वॉश करना है इसको। लगभग 3 से 4 बार हमने इसको अच्छी तरह से धोया है और उसके बाद में इसमें पानी डाल के इसको सोक करना होगा लगभग 8 घंटे के लिए। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको रख देते हैं, लगभग 8 घंटे के बाद में इसको पीसेंगे। दाल और चावल को भीगे हुए लगभग 8 घंटे हो चुके हैं, जिस पानी में हमने भिगोया था उसको डिस्कार्ड कर दीजिए और एक फ्रेश वाटर से इसको एक बार धो लीजिए। अब इसकी ग्राइंडिंग कर लेते हैं, पानी का इस्तेमाल कम से कम करना है क्योंकि पतला हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इतना ही पानी डालना है जितना पीसने में आसानी रहे, और एक बार में बहुत ज़्यादा मत डालिए, आधा या आधे से कम रखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैटर हमने पीस लिया है, और टेक्चर किस तरह का है ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप कितनी भी कोशिश कीजिए ये बिल्कुल फाइन नहीं होगा, हल्का सा दरदरापन आपको लगेगा इसके अंदर। कम से कम पानी डाल के इसको पीसना है। डोसा बैटर की ग्राइंडिंग यहाँ पे हो चुकी है, अब बारी आती है इसको फर्मेंट करने की। इसमें नमक नहीं डालना है, नमक डालने की वजह से फर्मेंटेशन धीमा हो जाता है। इसको लगभग 6 घंटे के लिए हम फर्मेंट करने के लिए रखेंगे। अगर ये इडली का बैटर होता तो इसको थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रखना होता, और गर्मियों में ध्यान रखना है, गर्मियों में मुश्किल से 3 से 4 घंटे में हो जाता है। यहाँ पे लगभग 5 से 6 घंटे हो चुके हैं बैटर को, और आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा उफान आने लग गया है यहाँ पे, मतलब फर्मेंट हमारा हो गया है बैटर बहुत बढ़िया, और इसका साइज भी बढ़ गया है। अब फटाफट से इसका फर्मेंटेशन को तोड़ के इसकी हवा निकालते हैं फटाफट से। इसको कम से कम 3 से 4 मिनट इसी तरह से फेंटिए, जितने भी बबल्स होंगे सारे निकल जाएंगे, सारी हवा निकल जाएगी इसकी। बैटर यहाँ पर रेडी हो चुका है, ये आम डोसा जो डोसा हम बनाते हैं नॉर्मली उसका बैटर रेडी हुआ है। इसमें डालते हैं हम थोड़ा सा नमक, नमक डाल के आप इसको रख सकते हैं फ्रिज में, रखिए इसको ढककर आराम से आप 15 दिन तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इससे बनाएंगे हम स्प्रिंग डोसा का बैटर। एक बॉल ले लिया मैंने यहाँ पे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा बैटर, निकाल लेते हैं, जितने भी आपको डोसे बनाने हैं उस हिसाब से बैटर निकाल लीजिए। मैंने लगभग 2.5 कप के आसपास यहाँ पर बैटर निकाल लिया है। इस बैटर में डाल रहे हैं हम बारीक वाली सूजी 2 बड़े चम्मच। अगर आपने चने की दाल इसमें नहीं मिलाई होती तो आपको यहाँ पे बेसन भी मिलाना होता। ये दोनों चीज़ें क्यों मिलाते हैं ये आपको आगे मैं बताता हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे बैटर की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो हल्का सा पानी डाल के इसको डायल्यूट भी कर सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा पानी डालूँगा, 3-4 चम्मच, क्योंकि जो सूजी हमने डाली है वो भी तो फूलेगी, उसको भी तो पानी चाहिए होगा। तो ये लीजिए, ये रेडी हो गया हमारा बैटर। यहाँ पर इसको करते हैं साइड में और स्टफिंग की तैयारी करते हैं। स्प्रिंग डोसा की स्टफिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ लहसुन लिए हैं 10 से 15, 1 मीडियम साइज की गाजर, 1/4 कैबेज इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 ग्रीन कैप्सिकम इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसकी जगह आप रेड एंड येलो भी ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे हमने चिली पेस्ट लिया है, ये घर का बना चिली पेस्ट है, अगर आपके पास में नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप जो नॉर्मल चिली सॉस आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इसको बनाना बहुत ही आसान है, मिर्ची को भिगो के रखना है और उसको पका लेना है लहसुन के साथ में, तेल के साथ में, बहुत ही सिंपल चीज़ है। 1 बड़ा चम्मच डार्क सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच विनेगर, और 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पे टमाटो केचप डाल रहे हैं। हमने यहाँ पे सारे सॉस एक साथ मिक्स कर लिए हैं, आप चाहें तो कुकिंग टाइम पे एक एक करके भी डाल सकते हैं, ये थोड़ा आसान काम हो जाता है करना। तो चलिए सारी तैयारी हो चुकी है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं कुकिंग। 1 बड़ा चम्मच ऑयल ले रहे हैं, गैस की फ्लेम यहाँ पर हाई है, लहसुन और जिंजर सबसे पहले डालेंगे हम यहाँ पर, दोनों एक बार में डाल दीजिए।
हाई फ्लेम पे हल्का सा सौते करना है इसको। हम एक गलती करते हैं यहाँ पे, इसको जला देते हैं। हल्का सा सौते करना है, आपको स्मेल आने लग जाएगी, हल्का सा कलर चेंज होगा हल्का सा। उसी बीच में हमको ये सारी सब्जियाँ ऐड करनी है जो हमने काट के पहले से रखी हुई थी। ये भी फुल फ्लेम पे हमको सौते करनी है, गैस की फ्लेम को कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जो सॉस हमने सारे मिक्स करके रखे हुए थे वो भी ऐड कर दीजिए यहीं पे। एक बड़ा चम्मच वेज एरोमेट पाउडर, ये नहीं है तो आप सॉल्ट भी डाल सकते हैं, ये सॉल्ट की जगह डाल रहा हूँ मैं, या आप मैगी मसाला भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। किसी तरह का पानी ऐड नहीं किया मैंने अभी तक। सब्जियाँ यहाँ पे सौते हो गई, मुश्किल से यहाँ पे मेरे को 4 से 5 मिनट लगी है, इससे ज़्यादा नहीं लगा है। अब फटाफट से इसको दूसरे बर्तन में खाली कर लीजिए, वरना सब्जियाँ और पकती रहेंगी इसके अंदर। सब्जियों में क्रंच रहना चाहिए, हल्का सा कच्चापन दिखना चाहिए, लेकिन सॉसी होना चाहिए। यहाँ पे हमने लोहे का डोसा तवा लिया है, ये भारी होना चाहिए। इसका टेम्परेचर मैंने मीडियम टू हाई रखा है। सबसे पहले हल्की सी ऑयल की बूंदें, उसके बाद में पानी के छींटे। ऐसा करने से क्या होता है, इसका टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है तुरंत हमको डोसे का बैटर डालना होता है। इससे क्या होता है, डोसे का बैटर चिपकता है, चिपकने से ही बढ़िया कलर आता है। लेकिन हमने ऑयल डाला था तो ऑयल की एक सरफेस यहाँ पे आ गई, उस ऑयल की सरफेस को यहाँ से क्लीन कर दीजिए एक बार, वरना डोसा इस पे चिपकेगा नहीं। हल्का सा चिपकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बीचों बीच में थोड़ा सा डालते हैं बैटर और एक ही दिशा में इसको घुमाना है। और ये देखिए बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, जब घुमा रहा हूँ तभी घूम रहा है, इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। ऑयल ले रहे हैं, अगर आपको बटर और घी पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और उसको दबाएंगे। अब गैस की फ्लेम को फुल रखिए यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बढ़िया सा कलर आ गया है, और सूजी की वजह से काफ़ी देर तक टिकता है। होता क्या है, ये जो सब्जी हमने बनाई थी इसकी, ये तवे पे बनाई जाती है, मतलब कि डोसा के ऊपर ही बनाई जाती है, इसीलिए इसमें सूजी और बेसन का इस्तेमाल किया जाता है कि काफ़ी लंबे टाइम तक आप इसमें कलर ना आए, ये जले नहीं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, इसको फैला देते हैं, और गैस की फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे हम यहाँ पे अभी, अब क्योंकि कलर ऑलरेडी आ चुका है, ज़्यादा कलर ना आए, काला ना पड़े। थोड़ा सा धनिया हम डालेंगे श्रद्धा अनुसार, और ये देखिए आप, यहाँ पे अपने आप इसकी किनारियाँ छूट रही हैं ये, तो जहाँ से किनारियाँ छूट रही हैं बस वहीं से हल्का सा अपना पलटा लगाना है और ये निकल जाएगा आसानी से। इसकी खास बात ये है कि अंदर की तरफ से सब्जियों की वजह से सॉफ्ट रहता है, बाहर की तरफ से क्रिस्पी रहता है। रोल आउट कर लेते हैं। तो चलिए हमारा ये डोसा यहाँ पे रेडी हो गया है, इसको सर्व करने का अंदाज भी थोड़ा अलग है। इसको स्प्रिंग रोल स्टाइल में कट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये लीजिए, ये रेडी हो गया हमारा स्प्रिंग रोल डोसा, कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। तो हल्की सी गार्निश करते हैं ऊपर से पनीर की, थोड़ा स्ट्रीट स्टाइल का लगना चाहिए ना।